देखते आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज की क्लास के अंदर हम बनाने जा रहे हैं ईद मुबारक की पोस्ट, क्योंकि ईद आने वाली है तो दोस्तों ईद मुबारक की पोस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने पेज लेना है जिसका साइज होगा, फाइल पर आके न्यू पे क्लिक करके देख लें, 1080x1080 रेजोल्यूशन 72, देन क्रिएट। ठीक है जनाब, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप फोरग्राउंड कलर लेंगे, ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके करेंगे। देन बैकग्राउंड कलर लेंगे आप ये वाला, ठीक है जी, ओके करेंगे तो दो कलर आ गए। और अब यहाँ से आप लेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कलर ले लीजिएगा। अगर ऊपर जाके देखिएगा आपके पास इस तरह आ रहा हो तो इसको बेसिक में आके ये दो कलर आ रहे होंगे ये ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ से रख के यहाँ तक इसको आपने खींचना है तो आप देखेंगे आपके सामने ही कलर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप आएंगे फाइल पे, आप करेंगे ओपन। ओपन के बाद आप क्लिक करेंगे इस वाले पे, ये ले लें या ये ले लें बातें की, ठीक है, एक ही ले लिया आपने। ठीक है, इसको ड्रैग करना है आपने, उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़ देंगे आप। ठीक है जनाब, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे आना है और इसको कर देंगे आप ओवरले, ठीक है, और कंट्रोल जे से इसकी एक डुप्लीकेट कर देंगे तो कुछ शेप जो आपके सामने आएगी वो इस तरीके से। उसके बाद आप डी दबाइएगा तो डिफ़ॉल्ट कलर हो जाएगा, इस कलर को ऊपर कर दीजिएगा, एक्स से कलर स्वैप होता है। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम ग्रेडियंट टूल लेंगे और सिंपल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर लेंगे, एक लेयर खोल लीजिएगा और शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा इतना एरिया, आई थिंक इतना काफ़ी है। और एक बात का ध्यान रहे कि इसका ओपेसिटी जो होगी वो 50 या 60 के अंदर हो। ठीक है जनाब, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 57 कर देते हैं। तो जनाब इसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, फाइल पे आइएगा ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से लेंगे आप ये 3 नंबर की PNG, इसको उठा के आपने मूव कराना है यहाँ पे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और कंट्रोल बी से पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको उठा के रखना है आपने यहाँ पे, कंट्रोल टी दबाएगा ट्रांसफॉर्म, उसको छोटा कीजिएगा, इसको आप रखेंगे यहाँ पे और इसकी ओपेसिटी कर देंगे आप जस्ट लाइक मैंने लिख दी यहाँ पे 55, ओके 58 करके देख लें, ठीक है 58 गुड है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, देन कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसका मुंह उस तरफ कर देगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है जी, देन इसको क्लोज कीजिएगा, फाइल पे आइएगा ओपन और यहाँ से आप ले लेंगे ये ओपन की, ओपन कीजिएगा इसको और कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, देन कंट्रोल बी पेस्ट, इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप इसको कंट्रोल टी करके ज़रा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ रखें और इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिएगा लाइक इस तरीके से। और इसको देंगे आप मास्क, यहाँ से लेंगे ब्रश टूल, ब्रश टूल की हार्डनेस 0 होगी, साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और इसको हम रब करेंगे ऐसे, थोड़ा सा ब्रश का साइज कर्ली ब्रैकेट से भी बढ़ता है तो आपने इसको ऐसे रब कर दिया। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको मैं ओपेसिटी और कम कर दूँ, थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया 25। अब जनाब हमने करना है क्या है, इसको क्लोज करें, फाइल पर आएंगे ओपन और यहाँ से ले लेंगे हम 5, ओपन करें, इसको ड्रैग करते हुए यहाँ लाएं और इसको यहाँ रख दें, ठीक है, इसको आप कर देंगे स्क्रीन, ठीक है, ओवरले नहीं कीजिएगा, स्क्रीन कीजिएगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको साइज थोड़ा सा आप छोटा करेंगे, इसको रखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हसब जायका, देन कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि इसका मुंह इधर आ जाए और इसको रख देंगे आप यहाँ पे। अब इसका पैनल क्लोज कर दें, फाइल पे आएंगे ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ से 6 नंबर लीजिएगा, इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा और इसको आप कर देंगे स्क्रीन, इसको थोड़ा सा यहाँ रखें, इसकी डुप्लीकेट कर लीजिएगा, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब जनाब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करेंगे सिंपल, अब आप लेंगे यहाँ से सिलेक्शन, एक लेयर खुलेगा, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा सिलेक्ट हुआ हो, आपने ये ले लिया, ठीक है, अब आपने इसको ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद फिर आप शिफ्ट दबाइएगा और इसको अपने हिसाब से चांद बना लीजिएगा। ठीक है जी, अब इसमें वाइट कलर दे दें आप, अल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। अब बारी है थोड़ी मज़ेदार चीज़ की, कंट्रोल डी से इसको थोड़ा सा आप छोटा करेंगे, इसको रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है जी,
उसके बाद आप आएंगे फाइल ओपन, यहाँ से टेक्सचर रखा हुआ होगा, इस टेक्सचर को उठा लीजिएगा, इसको उठा के आप रखेंगे इसके ऊपर, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी। टेक्सचर डालने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, ठीक है जी, और कंट्रोल यू कीजिएगा, इसको कलराइज कीजिएगा, ठीक है। इसका कलर हम थोड़ा सा नीला रखते हैं, लाइक थोड़ा सा उसकी शार्पनेस बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा सा नीले की तरफ आएंगे, ठीक है, थोड़ी सी इसकी रोशनी बढ़ा देंगे, ओके जी। अब हम इसको थोड़ा सा ग्लो देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसको हम करेंगे आउटर ग्लो, नीला कलर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, नीले से थोड़ा सा अंदर की साइड, ठीक है, ओके। अब ये जो स्टार आपने लिए थे इसकी डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जैसे इसको उठा के रखेंगे सबसे टॉप पे और यहाँ लेके आएंगे इसके ऊपर, चांद को कर देंगे आप स्क्रीन, ठीक है जी। आपके इसकी करेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है, इसको रख देंगे यहाँ पे, देन फाइनल ऑप्शन, फाइल ओपन, और यहाँ से लेंगे चांद के ऊपर रखेंगे ईद मुबारक का ऑप्शन, इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको यहाँ रखिएगा ऐसे, और इसको कंट्रोल यू करके इसका वाइट कलर कर दीजिएगा, ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद चांद और उसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लाएंगे आप इधर, ठीक है, इसको भी आप आउटर ग्लो करेंगे तो राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल, देन राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है, थोड़ा सा इसकी जो आउटर ग्लो है वो कम करेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है जी, ओके कर दें। अब हमने करने का ये जो एरिया है इतना, इसको 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 कंट्रोल जी करेंगे, इसको कर देंगे मून, इसको उठा के आप कर देंगे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा सा टेक्स्ट भी आएगा। अच्छा एक काम और करें थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करें, मून के अंदर इसको रखेंगे आप, ठीक है, इसको उठाएं मून के ऊपर लाएं ऐसे, ठीक है, और इसके फिर डुप्लीकेट करें कंट्रोल जे, इसको उठाएं, इसको थोड़ा सा आप यहाँ रखेंगे और इसको मास्क देंगे और थोड़ा सा इसको रब करेंगे आप, अब आप यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे, सबसे ऊपर आपने आ जाना है, टेक्स्ट टूल लेना है, क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप टेक्स्ट ले लीजिएगा, इसका साइज़ बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पर आके देख लीजिएगा कहीं बोल्ड तो नहीं है। उसके बाद आप इसको कंट्रोल एच कीजिएगा ताकि जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर जो हाईलाइट आया हुआ है वो गायब हो जाए, और यहाँ से मैं लूँगा स्क्रिप्ट राइटिंग, कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट राइटिंग ले लेते हैं हम, ये भी अच्छा लग रहा है, और नो नो कौन सा अच्छा लगेगा, जो मेरा फेवरेट है वो शायद इसमें है नहीं, तो हम यहाँ से अभी फ़िलहाल ये ले लेते हैं फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट, इसको इंटर मार के नीचे कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, इसको यहाँ रखें, इस पर आके देख लीजिएगा कि ऑटो हो, कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर दीजिएगा, और अब इस पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, हल्का सा ड्रॉप शैडो दे के देखते हैं, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और इसका साइज़ बढ़ा देंगे हल्का सा, थोड़ा सा और इसको कम करते हैं लिटिल वेट, ओके, इसको नीला कलर करके देखते हैं, ओके ओके यस, ये सही लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे रखते हैं, ओके ओके, और इसको हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और आते हैं आउटर ग्लो भी देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा डार्क कलर, ओके गुड हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका ग्रीटिंग कार्ड तैयार है, चाहे तो आप इसको और डार्क कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि यार थोड़ा सा उसको मैं और डार्क कर दूं, तो ये आपकी स्वाब दीप पे कि आपको कौन सा कलर रखना है और कितना उसको डार्क दिखाना है,
ठीक है जी, जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ रुक जाएगा। तो ईद मुबारक ऑल टू यू, मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर।